हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर जो इंसानी बच्चा है वो अंतरिक्ष में जन्म लेगा तो एक तरीके से वो एलियन की तरह होगा। एक तरीके से वो बहुत ही बड़ा उसका सर होगा, बहुत ही अजीब होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इंसान है वो क्या कर रहा है, मंगल ग्रह पे, चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि स्पेस एक्स, नासा, इसरो, ये सारे जो एजेंसीज हैं ये इस पर काम कर रहे हैं। और 2050 तक स्पेस एक्स का भी मानना है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है उनका मानना है कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलोनी बसाएंगे। लेकिन आपको पता होगा, एक कॉलोनी बसाने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है और वो कॉलोनी तब तक बसी रहेगी जब तक उसमें इंसानों की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहेगी। जैसे धरती पे इंसानियत तब तक है जब तक क्या हो रहा है, लगातार जनरेशन आगे बढ़ रही है। और जनरेशन आगे बढ़ने के लिए क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक जानवर है उसका जो जनरेशन आगे बढ़ेगा तो बच्चे पैदा करके बढ़ेगा, इंसानों का इंसानी बच्चे पैदा करके बढ़ेगा। लेकिन अंतरिक्ष में अगर हमको जनरेशन आगे बढ़ाना है या फिर ऐसे कहें कॉलोनी बनाना है तो हमको वहाँ पे क्या होगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें दिक्कतें क्या हैं, उसमें दिक्कतें ये हैं कि उन्होंने बताया है कि अगर वहाँ पे बच्चा पैदा होगा तो उसका सर काफ़ी बड़ा होगा। क्यों होगा, आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि जो औरत है जब वहाँ पे सेक्स हो और जब बच्चा पैदा होने लगे तो वहाँ को जो उनका जो पेल्विक फ्लोर है वो क्या हो, टूट जाए। ये क्या होता है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है अगर हमको वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसानी हो तो पहले से ही इंसानों के डीएनए में बदलाव करना पड़े। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगी कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्यों आती है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि लगभग 2000 से, ठीक है, आप देखेंगे अब तक आपने न्यूज़ भी सुना होगा, लगातार आप सुनते ही आ रहे होंगे कि कोई देश क्या करता है, अपने एस्ट्रोनॉट भेजता है अंतरिक्ष में, वहाँ से होके वापस आते हैं। अब तो लगभग ये आम हो गया है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियाँ भी क्या कर रही हैं, स्पेस में लोगों को भेज रही हैं। वर्जिन कंपनी के जो मालिक थे रिचर्ड ब्रांसन, जो सबसे पहले बने, वो अंतरिक्ष में गए, कुछ दिन रह के आए। तो एक तरीके से आप कभी कभी ऐड भी देखते होंगे अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कि उसमें क्या होता है कि आप मतलब अंतरिक्ष ट्रेवलर बन सकते हैं, कुछ पे करेंगे तो आपको अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, जो एक तरीके से आज एक बिजनेस बन चुका है। जैसे आपको जैसे आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वो बिजनेस बन चुका है, अंतरिक्ष में आप जा सकते हैं। लेकिन बात है यहाँ पे मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाने की, एक कॉलोनी मतलब मल्टी प्लैनेटरी बनने की, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं दोस्तों, जो संबंध होगा, ठीक है, इसमें वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि जैसे कि आप स्पेस में गए, वहाँ पे मेल और फीमेल है, उन्होंने क्या किया, सेक्स किया। सेक्स के बाद क्या होता है, जब उनका बच्चा बनना शुरू होता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें यहाँ तक ये आती हैं कि एक औरत मर भी सकती है, जिसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों कि अभी तक यूएसए ने, ठीक है, जो उनके अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कभी स्पेस में सेक्स करने के लिए हमेशा मना किया है। वो वहाँ पे शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, नहीं तो मौत का खतरा हो जाता है। मौत का खतरा क्यों होता है दोस्तों, ठीक है, इस पर भी हम समझेंगे। देखिए होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पे बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन आता है। मान लीजिए कि वहाँ पे किसी ने सेक्स किया, अब हो क्या रहा है, जैसे बच्चा बन रहा है, रेडिएशन की वजह से कुछ वहाँ पे डीएनए में चेंज आ जाए, तो इससे क्या होता है कि जो औरत होती है, क्योंकि बच्चा उसके गर्भ में है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो ये भी बताते हैं कि उसका जो पेल्विक स्टोर है वो भी फट जाता है, जो मतलब जो नसें हैं वो फट सकते हैं। और जो बच्चा है वो कैसा होगा, कैसा उस पर क्या असर होगा, उसकी बॉडी किस तरीके से ग्रो करेगी, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पर एक नियम है यूएसए में कि आप वहाँ पर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर इस पर रिसर्च हुआ, इस पर दोस्तों एक रिसर्च होता है जिसमें वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो चूहा होता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, स्पर्म लेके जाते हैं अंतरिक्ष में। कितने साल के लिए, मैं आपको बता दूँ, 6 साल के लिए क्या करते हैं, वो वहाँ पर लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये क्या करते हैं कि 6 साल तक उस स्पर्म को वहाँ पे रखते हैं, जिस कंडीशन में इंसान होता है, यान के अंदर उन्होंने क्या क्या किया, इंसान है वहाँ पे स्पर्म रखा, 6 साल तक वो था। 6 साल के बाद वो क्या करते हैं, लाते हैं, और लगभग 168 चूहों में क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज कराते हैं। और फिर वहाँ पे जो चूहा पैदा होता है उस पर कोई असर नहीं होता है, मतलब रेडिएशन का असर उस पर कुछ नहीं दिखता है। इसका मतलब वैज्ञानिक ये जान जाते हैं कि अगर वहाँ पे तो इंसान भी सेक्स करेंगे अंतरिक्ष में जाके, तो इससे ये होगा कि रेडिएशन का असर जो बच्चा पैदा होगा उस पर नहीं होगा। ये कहाँ पर छपा था, ठीक है, साइंस एडवांसेज, ठीक है, एक जर्नल है, वहाँ पर ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था।
ये तो बात सही होगी, आपने बोला, मतलब आपको लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैज्ञानिक फिर और आगे थोड़ा बढ़ के सोचते हैं, फिर वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडिएशन की ही वजह से दिक्कत आएगी। वो बताते हैं कि जो वहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, जब आप स्पेस में जाते हैं वहाँ पे क्या होती है, हड्डियाँ बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हड्डियाँ टूटने लगती हैं, इसका डर होता है। हड्डियाँ टूटने का मतलब क्या है, देखिए जो बच्चा है उसमें जो बोन बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत कमज़ोर होता है। और यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं काफ़ी डेंस होती हैं। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं जहाँ पे जीरो ग्रेविटी हो जाती है, जहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनकी डेंसिटी कम होने लगती है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक रुई है, ठीक है, या रबड़ का बॉल, उसको आप हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा, पिचक जाएगा, मतलब काफ़ी डेंस हो जाता है। लेकिन उसको अभी भी हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। वैसे ही हमारी हड्डियां हैं, ग्रेविटी में क्या होता है, वो काफ़ी डेंस होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं। लेकिन जैसे जीरो ग्रेविटी में जाएंगी, स्पेस में जाएंगी या अंतरिक्ष में जाएंगी, वहाँ पे क्या होगा कि वो हड्डियाँ क्या होंगी, काफ़ी मतलब डेंसिटी उनकी कम हो जाती है। कितनी कम होती है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि लगभग, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया वो, ठीक है, लगभग 6 महीने में, हाँ 6 महीने में क्या होता है कि 12% तक क्या होता है कि इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, मतलब 12% डेंसिटी कम हो जाती है। अब सोचिए अगर वो बच्चा वहाँ पे बनेगा, सोचिए वो टूट जाएगा जीरो ग्रेविटी की वजह से, कितना कमज़ोर होगा, इस वजह से भी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है दोस्तों, दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि जो उनका जो पेल्विक होता है, ठीक है, जो पेल्विक सिस्टम होता है, मतलब मैं आपको बता दूँ पेल्विक क्या होता है, जिसमें यूटरस, वजाइना, ठीक है, रेक्टम और ब्लैडर, ये सब शामिल होते हैं। अब क्या होगा कि बच्चा क्या होता है कि जीरो ग्रेविटी से साइज ज़्यादा हो जाती है, जैसे उनका सर बढ़ जाता है, इससे क्या होता है कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो इससे क्या होगा, उनका ये सब टूट जाएगा, मतलब एक तरीके से औरत की डेथ भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, वैज्ञानिक इस बात को सोच रहे हैं। आप अब ये सोच रहे होंगे तो बहुत छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, बिना इसके आप सिर्फ मशीन ले जाके कॉलोनी नहीं बसा सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी बसेगी इंसानों से, और अगर इंसान की जनरेशन वहाँ पे नहीं बढ़ पाएगी तो आप कितना दिन लेके जाएंगे, लेके आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मंगल ग्रह पे जब कोई इंसान जाएगा, ठीक, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा है, वहाँ पे जब कॉलोनी बसाई जाएगी तो हो ऐसा नहीं है कि आप गए और तुरंत चले आए, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कितने साल में वापस आएगा, 10 साल 15 साल हो सकता है वापस ना ही आ पाए, वहीं पर सारा काम धाम करना हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि बच्चे जब नहीं होंगे तो कॉलोनी कभी बस ही नहीं पाएगी। तो वैज्ञानिक इस बात पे आते हैं कि क्या होगा फिर, मान लीजिए चलिए बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका सर बड़ा होने लगा जीरो ग्रेविटी की वजह से, बॉडी बड़ी होने लगी, तो वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन से हो में भी हो सकता है कि हम क्या करें, बच्चे को निकाल पाएं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो माँ क्या हो वहाँ पर डेथ कर जाए। फिर आगे क्या करेंगे, देखिए आगे वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका ईजाद किया है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, सॉरी, जो अभी तो हमने सर की बात कर ली, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी का जो त्वचा होगी वो पारदर्शी होगी। पारदर्शी क्यों होगी, देखिए जब इंसान धरती पे रहता है तो वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है धरती पे, उसके लिए हमारे अंदर में क्या होता है, मेलेनिन पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो त्वचा है उसका जो रंग होता है काफ़ी डार्क हो जाता है। जैसे आप अपना चमड़ा देखेंगे काफ़ी डार्क है, तो देखने में इसको आसानी है। लेकिन जब ये स्पेस में जाता है, जब अंतरिक्ष में जाता है, तो वैज्ञानिकों ने ये शोध में पाया कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी वहाँ पे रेडिएशन नहीं होते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो मेलेनिन पैदा करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो त्वचा होती है वो इतनी गहरी नहीं होती है। हम तो यहाँ से हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो हमारी त्वचा तो वैसी रहेगी, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर मेलेनिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो त्वचा होगी पारदर्शी होगी। मतलब जैसे कि आप एक तरीके से आप देखते हैं जेली देखते हैं, व्हाइट कलर की जेली होती है, ठीक है, वैसी त्वचा होगी, या जो जेली मछली देखते हैं वैसी त्वचा बच्चे की होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। अब क्या होगा कि इसमें क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से सुधार हो पाए, देखिए इसमें हम जो वैज्ञानिक इस पर काम करें तो उन्होंने ये पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि इस सारी दिक्कतें आने वाली हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि डीएनए में हम पहले से ही बदलाव कर लें, मतलब डीएनए में हम ऐसा बदलाव कर लें कि जब इंसान सेक्स करे वहाँ पे जाके तो वहाँ का जो बच्चा पैदा हो हमारे यहाँ के बच्चे के हिसाब से पैदा हो, उसकी साइज वैसे ही हो, उसके चमड़े वैसे ही हो। अगर डीएनए में बदलाव हम कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा हमारे हिसाब से होगा, मतलब हम जैसा चाहेंगे वैसा बच्चा पैदा कर पाएंगे। कभी कभी आपने पेड़ों को देखा होगा, ठीक है, या कभी कभी आपने पेड़ों को देखा होगा कि जैसे आम है उसमें रेड कलर के आम आ जाते हैं, मतलब ब्लू कलर के आम आ जाते हैं, या फूल भी देखा होगा, नए नए वैरायटी के फूल
आ जाते हैं। वो कौन पैदा करते हैं? जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं वो इस पे काम करते हैं। वो कैसे करते हैं? डीएनए चेंज करके। वैसे ही इंसानों को जब डीएनए में चेंज होगा, जब वहां पे जाके वो सेक्स करेंगे, तो इससे ये होगा जो बच्चा पैदा होगा वो हमारे हिसाब से होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, उसके सर का आकार जैसा चाहेंगे वैसा होगा, उसके शरीर का आकार जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और इस पे वैज्ञानिक लगातार दोस्तों काम कर रहे हैं। एक ये शोध भी छपा था किसमें, बायोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंज ऑफ द हार्मोन रिप्रोडक्शन इन लॉन्ग टर्म मार्स बेस। बाप रे, ये जर्नल का नाम है कि गाना है। इसमें ये छपा था जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से हम डीएनए में बदलाव कर रहे हैं और आगे ये हम चेंज ला पाएंगे। दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि देखिए ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं, एक आकलन किया जाता है, जैसे कॉस्मोलॉजी की बुक्स हैं, ये सब हैं। अगर आप वो सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको इन सब बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स और कॉस्मोस ऐसी चीज़ें हैं जिनका रेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, आप ये सब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीख सकते हैं, बहुत सारी किताबों को आप पढ़ के, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।